ब्रह्मणि मंगलं पुण्डरीकाक्षो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्व धर्माणां जैनं जयतु शाश्वतम् जैनं जयतु शाश्वतम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि आज अंतिम दिन है। पहले ही 10 के 11 हो गए क्या, तो जैसे स्कूल के आखिरी दिन जितना उत्साह होता है उससे भी डबल उत्साह देखने को मिल रहा है। यदि ये उत्साह अपना 12 महीने हो जाए तो संसार से पार होना कठिन न रहे, लेकिन ये जितना उत्साह अपना आज दिख रहा है और जितनी भीड़ यहाँ आज अपने को दिख रही है और जितने भी भदैया अपने को यहाँ सब दिख रहे हैं क्या, ये सब बहुत सारी इसमें से छट जाएगी। इससे पता चलेगा अपने को कि कितने भदैया में से कितने सदैया इस बार बने हैं क्या। देखो ये पॉल्यूशन की सार्थकता इसी में है कि यदि कोई इसके निमित्त से 12 महीने के लिए धर्म में जुड़े तो इसकी सार्थकता है। मैं तो कहता हूँ प्रवचन की सार्थकता तभी है जब कोई एक भी आदमी 12 महीने की प्रवचन से जुड़े। पूजा की सार्थकता तभी है जब आपकी पूजा में लोग बढ़े क्या, बाकी तो क्या है, नहीं तो खाए खोया बह गया है ना, ऐसा मेला ठेला लगा और चले गए। मतलब ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये अपने जिंदगी के लिए एक अपूर्व अवसर है, अपूर्व वास्तव में। हम चाहें तो इससे अपना जीवन पलट सकते हैं, अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की दिशा में ले सकते हैं, अनंत संसार का अभाव कर सकते हैं। और हम चाहें तो जैसा हमारा रोज चल रहा है रूटीन, अनंत काल से जो चल रहा है उसी रूटीन में भी जी सकते हैं। यदि हमको 10 दिन अच्छा लगा हो, यदि हमको लड्डू अच्छे लगे हो, तो लड्डू 10 दिन ही क्यों खाना, क्यों 12 महीने खाने में पाप लग जाएगा, क्यों। कचौरी यदि शादी के दिन अच्छी लगी हो तो बाकी बाद में खा सकते हैं कि नहीं। कोई वस्तु यदि हमें अच्छी लगी हो, यदि अच्छी लगी हो तो उसका सेवन क्यों ना बार बार किया जाए। और यदि वो कष्टदायक लगी हो तो फिर तो मैं बराबर कहूंगा कि यदि वो कष्टदायक है तो भैया आज ही करके, और फिर पूनम का हुआ पाड़ना और मंदिर का छुटा बाड़ना क्या। तो ये यदि हमें अच्छा लगता है तो हम इसको 12 ही महीने करें ना। ये तो अपने को केवल जोड़ने के लिए है, ये 10 दिन तो हमारे जीवन को दिशा देने के लिए कि हम इसके निमित्त से कम जुड़ जाएं। ये जो 10 धर्म के दिन है क्या ये जीवन भर सेवन करने के लिए नहीं है, बता। इसमें ऐसी कौन सी चीज हमें लगती है कि जो आत्मा के लिए दुखरूप हो या आत्मा के लिए कल्याणकारक ना हो। अरे हमें अमृत मिला है अमृत, और हम उस अमृत को छोड़कर और यदि ये संसार की विषय भोग रूपी विष का सेवन करे तो वास्तव में हमसे बड़ा अभागा और कोई नहीं होगा। शास्त्रों में लिखा है कि जिस प्रकार किसी दरिद्री को देखने मात्र से चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो, दिखाने से हम किसी दरिद्री को कहें कि क्यों तू देख ले, तेरे कोई रत्न दे देंगे, और वो देखने से मना कर दे। किसी कोड़ी को अमृत पान कराए, अब कोड़ी समझ में नहीं आए तो समझ लो चिकन मुनिया वाले को अमृत पान कराए जिससे उसकी बीमारी ठीक हो जाए क्या, और वो करने से मना कर दे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती।
उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम और आनंद रूप मोक्ष मार्ग का निमित्त बने और वो उसका सेवन न करे तो जिनवाणी कहती है कि उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। अरे जिस संसार भय से तीर्थंकर जैसे महापुरुष डरे, इस जीव को उस संसार का भय नहीं है, जान पड़ता है कि ये तीर्थंकर से भी बड़ा पहलवान है। सुभट क्या जा की वर्णन करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि हमारी लेखनी थक जाती है लेकिन हमारा वर्णन पूरा नहीं होता है। आपको मालूम नरक के दुखों का वर्णन किया तिलोय पंडित में, और उन्होंने कहा कि ये जो हम वर्णन कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, नरक के दुख वास्तव में नारकी भोगता है और केवली भगवान ही जानते हैं। और ये जीव जो है इसको कहो कि भैया इसका फल क्या होगा जो अपन काम कर रहे हैं, थोड़ा विचार करो है। ध्यानत धर्म की नाव बैठो, शुभ जोग घाट समुद्र आयो, पार हो दिन जाते। तुम इतनी बढ़िया जगह आए, तुम ऐसी मतलब ऐसे ऐसे योग से ऐसे लकड़ी मिली, शुभ जोग घाट समुद्र आयो, मतलब कोई ऐसी नौका मिल गई जिससे कि तुम समुद्र को पार कर सकते थे। धर्म की नाव रूपी धर्म की नाव मिली और हम उस नाव में न बैठे और संसार समुद्र से न तिरे तो वास्तव में ये हमारा अभाग्य होगा। मैंने इससे अच्छी अवस्था मैं नहीं समझता कि हमको और कोई मिल सकती है। ये जितना अच्छा अवसर आज हमें इस विषम पंचम काल में भी जो महापुण्य से मिला है, और यदि हम इस अवसर को खो देते हैं तो पुनः इस अवसर की प्राप्ति होना महादुर्लभ है। दस लक्षण धर्म की पूजन में भी आया था, तब धर्म में वस्यो निगोद वस्यो अनंत वस्यो वस्यो अनादि निगोद मजारा। कितना काल बिताया मैंने निगोद में, अनंत काल। फिर वहां से निकला तो मैं भू पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक बना, दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री बना, भू विकलत रहे पशु। और फिर वहां से हुआ ज्यादा पंचेंद्री बन गया तो असंगी बना, असंगी से संगी बन गया, मन सहित भी बना तो पशु पर्याय मिली। किसी कोई कोई ऐसा विशुद्ध परिणाम हमने किसी काल में किया जिसके निमित्त से हमको ये मनुष्य शरीर मिला। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, संसार में इससे दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है। ये मिलने के बाद यदि कोई दुखी होता है तो वो संसार में कभी सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य पर्याय तुम्हें मिली, जिस पर्याय के लिए देवता तरसते हैं, चारों गतियों के जीव तरसते हैं, जिस पर्याय से जीव तिरता है, और वो पर्याय मिलने के बाद और तुम दुखी हो तो तुम्हारे दुख का निस्तारा और कहीं नहीं हो सकता। जिन वाणी और जिन धर्म की शरण में आने के बाद भी जीव दुखी रह जाए तो उसके सुखी होने का और क्या उपाय हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा धारा मनुष्यन महादुर्लभ, सुकुल अच्छा कुल मिला। हम इतने अच्छे कुल में उत्पन्न हुए जहाँ हमको अच्छी बातें मिली, सही गलत का विवेक सिखाया हमको, क्या अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना, बुरी चीज़ों को छोड़ना, हित क्या है, अहित क्या है, तत्व क्या है, मतलब देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है, ये सब हमारे हितकारी बातें हमें बताई गई। हम इतने अच्छे कुल में उत्पन्न हुए जहाँ पिछले 2500 वर्षों में हमारे माता पिताओं ने इस जैन धर्म की ध्वजा संभाले रखी। किसी ने ये गलती नहीं की कि अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। इस कारण से जो गलती हमारे 2500 साल में नहीं हुई और जिस कुल में हम उत्पन्न हुए उस कुल के निमित्त से हमको जैन धर्म के संस्कार मिले। इसलिए उन्होंने कहा धारा मनुष्टन महादुर्लभ, सुकुल आयु, अच्छी पूरी आयु मिली। या बेटे हो तुम इतनी बढ़िया से, कितने ही बच्चे माँ के गर्भ में आके मर जाते हैं, कितने गर्भ से बाहर निकलते निकलते मर जाते हैं, कितने बचपन में बीमारी लगने से मर जाते हैं, कितने थोड़े बड़े होने के बाद में एक्सीडेंट में मर जाते हैं। मरने के कोई कम कारण तो ही नहीं, अनंत कारण है। अच्छी आयु मिली, सुकुल निरोगता मिली, पांचों इंद्रियां चल रही है, आँख चल रही है, कान चल रही है, नाक चल रही है, हैं पांचों इंद्रियां चल रही है, ये कोई कम है तुम्हारे पुण्य का उदय। और जैन वाणी
सुकुल आयु निरोगता श्री जैन वाणी, जिन वाणी तुमको श्रवण करने को मिली, भगवान जिनेन्द्र के वचन मिले। भले ही आज हमारे पास में साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन उनके वचनों ने उनका विरह हमको भुला दिया है, तो हमें उनके वचन मिले, तत्व ज्ञान मिला। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी और पंचेंद्रिय के विषयों की रुचि थोड़ी कम हुई, इतना सब हो गया हमको, और फिर भी हम पुनः विषयों में प्रवृत्ति करें, विषय कषाय का त्याग नहीं करें और संसार के अभाव करने के मार्ग पर न बढ़े, तो हमसे बड़ा अभागा वास्तव में और कोई नहीं होगा। और यदि ये करते हैं क्या अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे, तो नर भव मनुष्य भव रूपी अनुपम घर पर, जो कि सोने का है, उस पर मणिमयी कलशे को धरता है। तो ये सब चीजें अपने जीवन में अभी अपन ने 10 दिन सीखी, तो मेरा तो इतना ही कहना है आप लोगों से कि ये चीजें 10 दिन न रहे, अपने जीवन का एक हिस्सा बने। अब आज अपना ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है, और इसके लिए ज्ञानत राय जी ने कहा है कि उत्तम आत्किंचन ब्रह्मचर्य धर्म दसार है, चौं गति दुखते काड़ी मुक्ति करता है। ये चार गति के दुखों से निकाल कर हमें कहाँ पहुंचा देता है, मुक्ति रूपी सुख में पहुंचा देता है। और इसमें ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा में भी ध्यानत धर्म दस पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा, माने जिसने मोक्ष की ये 10 मोक्ष मार्ग की ये 10 सीढ़ियां चढ़ी, धर्म की 10 सीढ़ी चढ़ी, तो 10वीं सीढ़ी के बाद में उसका अगला पांव कायम होगा मोक्ष महल में। माने ये उत्तम ब्रह्मचर्य का फल है मुक्ति, मोक्ष है इसका फल। क्या, लेकिन हमें मुक्ति समझ में आना चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, क्योंकि कईयों को नुक्ति चाहिए, मुक्ति से ज्यादा उनको नुक्ति ज्यादा पसंद है। सच कह रहा हूं, मेरे को तो लोग बहुत कहते हैं क्या कि ये तुम खाना रख दो तो तुम्हारे प्रवचन में डबल आ जाएंगे। मैंने कहा ये खाने के लोग ही आएंगे, धर्म के लोग ही नहीं आएंगे क्या, हमें इनको खिला के थोड़ी नहीं धर्म सुनाना है। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो नुक्ति के अभिलाषी है, जिसे मुक्ति चाहिए हमें वो लोग चाहिए। यदि आपको मुक्ति चाहिए हो संसार बंधनों से, दुखों से मुक्ति चाहिए, तो बात है। अरे बच्चे अच्छे तुमसे तो स्कूल के अंदर बच्चों की छुट्टी होती है तो बहुत आनंदित होते हैं, और यदि आधे घंटे बिठा दो और भले ही नुक्ति दे तो चिल्लाते हैं कि नींद गई हम दोनों से। लेकिन हमारी स्थिति उन बच्चों से भी गई हुई थी, आधा एक घंटा कहीं बुला लो और खाने के लिए तो सब चले जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसका अगला कदम कायम है, मुक्ति में है, मोक्ष का मार्ग। ध्यानत धर्म की पेड़, ध्यानत धर्म दस पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा, मोक्ष के मार्ग में इसका पांव है। ऐसा है ब्रह्मचर्य, इसका नाम ही है ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म माने आत्मस्वरूप, उसमें चर्या करना, उसमें लीनता करना। तो जो लीनता करेगा तो वो लीन हो जाएगा। सिद्ध भगवान अपने आत्मस्वरूप में लीन है तो उसका मार्ग भी क्या होगा, आत्मस्वरूप में लीनता ही तो उसका मार्ग होगा। जो यहाँ लीन होगा तो अनंत काल के लिए लीन हो जाएगा, और जिसको यही लीनता नहीं होगी तो वो वहां कैसे लीन होगा। माने आत्मस्वरूप में जिसकी रुचि होगी वही तो अपने आत्मा में लीन होने का उद्यम करेगा, वही लीन होगा, और जो लीन होगा वही अनंत काल के लिए आत्मा में समा जाएगा। आप सोचना कभी कि हमें यदि आत्मा की अभी रुचि नहीं है तो हम सिद्धालय में करेंगे क्या, मुक्ति में क्या करेंगे, फिर वहां से ऊपर आने का, ऊपर से नीचे आने का तो कोई रास्ता है नहीं। इसलिए पहले तो मुक्ति का सच्चा स्वरूप समझ लो, मुक्ति का स्वरूप क्या है, क्योंकि नहीं तो पता चले हम देखा देखी मोक्ष को भला कह रहे हैं। क्या मोक्ष का स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो मुक्ति को हितरूप कैसे मानेंगे, केवल देखा देखी। चूंकि सब लोग कहते हैं ना मोक्ष भला है, इसलिए हम भी कह देते हैं मोक्ष भला है, लेकिन विचार करने पर कोई भला नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि विचार करने पर लगता है कहाँ ऊपर जाके लटकना, ये थोड़े बहुत ही लटक रहे हैं, इनको लटकने दो। क्योंकि मुक्ति जीव ने मान रखी कि मुक्ति का मतलब है कि ऊपर एक जगह जाके लटक जाना, मुक्ति का स्वरूप ही नहीं जानते लोग कि मुक्ति क्या है, है?
अरे ये आकुलता रूपी जो दुख है उससे निवृत्ति का नाम मुक्ति है, पराधीनता से मुक्ति का नाम मुक्ति है, स्वाधीन सुख स्वाधीन आनंद उसकी प्राप्ति होना, अपने जो गुण वैभव जो अभी अपने को प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति होना, क्या जो संसार में हमारा ज्ञान और सुख जो इंद्रियों के अधीन हो रहा है वो इंद्रियों की अधीनता मिटकर हमारा वो सुख और ज्ञान स्वाधीन हो और हम अपने स्वाधीन ज्ञान सुख को प्राप्त करें, अतीन्द्रिय आनंद अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करें, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करें। तो ये कभी भगवान का स्वरूप विचारना कि क्या है भगवान का स्वरूप क्या, इसलिए मुक्ति को समझना। नहीं तो 90% स्थिति ये है कि लोग मोक्ष को देखा देखी भला कहते हैं, और इसलिए कहते हैं भला क्योंकि उनको मोक्ष के स्वरूप का ज्ञान नहीं। वो ये मानते हैं कि मोक्ष में भी क्या होगा मालूम है, मोक्ष में जैसे संसार में सुख है तो कहते हैं मोक्ष में उससे अनंत गुना है, तो अनंत गुना है तो वो संसार के अंदर तो विषयों का सुख है और मुक्ति में अतीन्द्रिय सुख है, तो वो उस मुक्ति के अतीन्द्रिय सुख को तो जानते नहीं है, वो तो संसार में जो इंद्रिय सुख है उससे ही अनंत गुना सुख मोक्ष में मानते हैं। अब उनसे पूछो अनंत गुना कैसे हो जाएगा, है तुमको मालूम क्या अनंत गुना क्या होता है, यहाँ एक स्त्री है तो अनंत गुना रहेगी, और यहाँ एक से ही है, यहाँ तो स्त्री से मुक्ति की बात करने अपन आए हैं और ये कह रहा है अनंत गुना, तो अनंत गुने का तात्पर्य समझो, अनंत गुने का क्या मतलब है, क्या हम दोनों के सुख की एक जाति मानते हैं, किन दोनों की, संसार के सुख की और मोक्ष सुख की जाति एक मानते हैं, हमारी बहुत बड़ी भ्रांति है, जबकि संसार के सुख को सुखी नहीं कहा है, वो तो वास्तव में दुख है, और यदि वो एक जाति होगी तो ये दुख है तो उस दुख से अनंत गुना तो अनंत दुख होगा ना, वहां फिर सुख कहां से हो जाएगा, अरे ये तो पीड़ा है, इसको विषयों की तो पीड़ा कहा है और वहां उस पीड़ा का अभाव है, तो इसलिए उस सुख की जाति अलग है, सांसारिक सुख की जाति और शुद्ध भगवान के सुख की जाति में अंतर है, और जो जीव वो एक सुख मानता है वो वास्तव में सच्चे सुख का स्वरूप नहीं जानता। ये तो अन्य मतावलंबियों ने कह रखा, वो भगवान उनके बैठे रहते हैं वैकुंठ में और वैकुंठ को ही मोक्ष मानते हो, भगवान बैठे रहते हैं आराम से जो है नृत्य चलता रहता है क्या, और स्त्री पांव दबाती रहती, तो कई लोगों को तो लगता है ऐसा मोक्ष तो यहीं कब हो जाए भगवान, क्या अभी स्त्रियां कोई पांव दबा दे इस पंचम काल में तो लोगों को मुक्ति, अरे उनको मुक्ति से बड़ा सुख दिखता है, तो इसलिए जो हमने देख रखा है ना वैकुंठ वगैरह का टीवी वीवी में दिखाते रहते हैं कि वो लेटे हुए हैं कोई पांव दबा रही है स्त्री और आसपास स्त्रियां हैं और भोगों में लीन है, तो वही समझ हमने रखा पंचेंद्रीय के विषय भोगों को हमने सुख मान रखा है, और वो ये मान रखा है कि वहां इससे भी ज्यादा हमको सुख मिल जाएंगे, जबकि वास्तव में वो सुख वहां है ही नहीं, वो तो वहां तो आत्मिक सुख है और आत्मिक ज्ञान है, वहां जो सुख और ज्ञान है वो आत्माश्रित है, जो हमारी वास्तव में जो हमारा स्वभाव है ज्ञान और सुख जो हमारा स्वभाव है वो सुख उन्हें प्राप्त है, वो स्वभाव प्राप्त है। क्या इंद्रिय विषय तो पीड़ा कहा है पीड़ा, और जैसे कोई पीड़ा खुजा जैसे कोई को खुजली होती है और वो खुजली खुजालने में जो सुख मानता है तो वो उसका केवल उसकी मान्यता जन्य सुख है, पारमार्थिक सुख नहीं है, पारमार्थिक तो सुख ये है कि वो खुजली उत्पन्न ना। तो अपने को तो खैर ब्रह्मचर्य धर्म की बात करनी है, तो ब्रह्म माने आत्मा और चर्य माने उसमें चर्या लीनता करना, निज आत्म स्वरूप में लीनता करना वो ब्रह्मचर्य। अब इस ब्रह्मचर्य में मतलब आत्म स्वरूप में लीनता वो ब्रह्मचर्य है, और इसका विरोधी क्या होगा, भाई जो भी अपने आत्म स्वरूप के अंदर लीनता में जो जो बाधक बने वो सब इसका विरोधी होएगा। क्या पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति वो आत्म स्वरूप की लीनता में बाधक है कि साधक है, बाधक है ना, क्यों क्यों, क्योंकि जब तक हम पंचेंद्रिय के विषयों में लीन रहेंगे तब तक हम अपनी आत्मा में लीन कैसे होंगे, इसलिए पांचों इंद्रियों के विषय सेवन के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है, क्योंकि अकेली एक स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन ही हमको आत्मलीनता में बाधक नहीं है, अपितु पांचों इंद्रियों के विषय सेवन आत्मलीनता में बाधक है। क्या जिस प्रकार हम स्पर्शन इंद्रिय को भोगते भोगते आत्मा में लीन नहीं हो सकते,
उसी प्रकार क्या हम रसना इंद्री का भोग करते करते आत्मा में लीन हो सकते हैं? क्या लड्डू पेड़े खाते हुए आत्मा में लीन होएगा आदमी? है अच्छी सुगंधित परफ्यूम लगा के, कलोन लगा के, और आत्मा में लीन होने के लक्षण है इनके? है ये तो अभी गंध में ही लीन है ये। जिनको हमने कभी देखा नहीं, हमारे बाप दादाओं ने नहीं देखा, काका जी दादा जी वगैरह ने नहीं देखा, और अपन छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं आजकल, वो आते हैं तो पता चल जाता है कि मंदिर आए हैं। आग मीची भी हो तो भी पता चल जाता, अपन भी क्या करें, नाक है ना अपनी। क्या माने? जिस इंद्रिय विषयों से हमारे पूर्वज बचे हुए थे, ये उस इंद्रिय विषय की गुलामी को जबरदस्ती से रोड़ रहे हैं। जो गुलामी थी नहीं, जो पहले ही जो बीमारी जो नहीं थी, हम बीमारियों को कम करने के लिए यहाँ आए, और पता चला हम और बीमारियां बढ़ा रहे। ऐसे चक्षु इंद्रिय टीवी देखते देखते आत्मा में लीन होंगे, क्यों? यह आत्मलीनता के सूचक। और कर्ण इंद्रिय गाना सुनते सुनते, तो ये पांचों इंद्रियों के विषय हमारे लिए आत्मलीनता में बाधक है। और यही कारण है कि ब्रह्मचर्य का मतलब केवल अकेली एक स्पर्शन इंद्रिय विषय सेवन का त्याग नहीं है। यद्यपि 90% लोगों की मान्यता है कि स्पर्शन इंद्रिय के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है, और स्पर्शन इंद्रिय भी पूरी नहीं, उसकी भी कोई एक क्रिया नहीं की अपन ने। क्या समझ लो, मैथुन का त्याग किया और अपन ने मान लिया कि हम क्या हो गए हैं, ब्रह्मचारी हो गए। क्यों? स्पर्शन इंद्रिय के तो 8 विषय है। गर्मी में जो तुम पंखा उपयोग कर रहे हो, तो पंखा स्पर्शन इंद्रिय का विषय है कि नहीं? और ठंडी में तुमको गर्मी चाहिए, तो वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है कि नहीं? और यदि उसमें तुम्हारी रति है, तो तुम आत्मा में रति कैसे करोगे? हैं? गर्मी ठंडी यदि उसमें राग द्वेष है, तो वो कहते हैं अभी समता सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, अभी तो हमारा इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति चल रही है। इसलिए जिसे ब्रह्मचारी बनना है, स्पर्शन इंद्रिय को जीतना है, उसको ये जो स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय है, गर्म ठंडा हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम, नरम नरम गद्दे पे सोता है ना वो, तो यदि उसको नरम पसंद है कठोर पसंद नहीं है, तो अभी उसके स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन का भी त्याग नहीं हुआ है। क्या माने? ये हमको हमारे पूरे जीवन को बहिर्मुखता से हटाकर आत्मसन्मुख करने वाला पर्व है ये। क्या यदि हम इन इंद्रिय विषयों में पढ़े रहते हैं, तो अभी हमारा वो ब्रह्मचर्य जिसकी यहाँ चर्चा है, उसका पालन नहीं हुआ। क्या ऐसे रसना इंद्रिय खाते पीते भोगते, माने यदि हमें मीठे का रस का स्वाद है, तो वो कहते हैं कि तुम अभी ब्रह्मचारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अभी रसना इंद्रिय से निवृत्ति नहीं हुई है, घ्राण इंद्रिय से निवृत्ति नहीं हुई, चक्षु इंद्रिय से, कर्ण इंद्रिय से। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ो तो उसमें स्पष्ट लिखा है, ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाओं में 5 इंद्रियों के विषय सेवन का और मन के विकल्पों का भी त्याग कराया। यदि वो सूत्र याद हो तो, स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा सुनने का त्याग, स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा, ये क्या? मेरे को कभी कभी लगता है कि अपन बातें कहाँ की करते हैं, और ये जो जनता है अपनी, ये जनता कहाँ की है? ये आती है टीवी देख के, प्रवचन सुन के जाती है टीवी देखने। क्या इनका तो टाइम रहता है 8 से 9 का, यदि कोई जैसे दूसरा कुछ सीरियल नहीं चल रहा है तो क्या करे, एक पंडित जी वाला सीरियल चालू कर दो, बाकी 9 बजे दूसरा है तो दूसरा चालू हो जाता है। क्या तो उसमें बहुत तुम्हारी आत्मा की चर्चा आती है ना, उसमें आत्मा में लीनता की बातें करते हैं सब। क्यों है? अरे इतना स्थूल पाप है उसमें, तो मैं कह रहा हूँ ये जिन जितने भी लोगों ने ये अभी ये व्रत नियम करते ना, इनसे सबसे पहले मैं तो ये कहने के अगली बार ये पूछना चाहता हूँ कि कम से कम इनके ये स्थूल पाप का भी त्याग हुआ कि नहीं हुआ। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो शक की नहीं होती, कठिन होती। 30 उपवास करना कठिन है, आदमी मर सकता है, लेकिन 30 दिन टीवी का त्याग करना क्यों कठिन? क्या बताओ,
क्यों? उल्टी गंगा चल रही है अपनी सारी। 10 दिन अपन पूरा ठोक पीट के सब काम कर लेते पूरी ताकत लगा के, और अभी 11वें दिन से ऐसे चलेगा जैसे कोई सारे नदी के बांध खुल गए और खूब बाढ़ते थे। कई होगी तो प्लानिंग भी बन चुकी है। क्या है ये हैं? तुम्हें स्थूल नहीं हुआ त्याग? अरे ब्रह्मचर्य तो आत्मा में लीनता की बात है, और चलो व्यवहार ब्रह्मचर्य की भी बात करें तो स्व स्त्री सेवन के त्याग की बात है। तुम्हारे तो स्व स्त्री छोड़ो, अभी पर स्त्री सेवन का ही त्याग नहीं हुआ है। टीवी में अपनी स्व स्त्री आती क्यों? किस किस की स्व स्त्री आती बताओ? पढ़ाई आती है उसमें तो स्व तो किसी की भी नहीं आती। स्व तो बैठी रहती है देखती रहती है क्या कि ये कब तो इधर देखे और ये तो उधर देख रहे भैया जी, तो समझ जाती कि ये तो यही है, ये भी ऐसा ही है। तो वो भी फिर उसको छोड़ के वो भी वही देखती है। अरे तुम्हारी जब शादी हुई थी तब तुमको फेरे डलवाते समय यही एक नियम दिलवाया था कि कम से कम अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों में राग मत करना। तुम वो एक नियम तो निभा नहीं पा रहे हो, दूसरे नियम की बात कर रहे हो। हैं? ईमानदारी से तो एक भी पूरा कर दो तो मुक्ति का कारण है वो। और ये विवाह का नाम ही है, स्वदार संतोष व्रत। अपनी स्त्री में संतोष रखने का व्रत लिया हमने, और ये व्रत हमने ऐसे ही नहीं लिया कि बस चलते फिरते। हमने इसके लिए 1000 जनों को खाना खिला के उनको दिखा के व्रत लिया। फ्री में थोड़ी खिलाया हमने उनको। उसके अंदर बताओ, उस पूरे शादी के अंदर सबसे मेन एक्टिविटी क्या होती है? फेरे। फेरे नहीं और सब हो जाए तो काहे की शादी। और फेरे में क्या होता है? फेरे में एक्चुअल में वो जो पंडित होता है वो बार बार पूछता है कि भाई ये नियम दिला रहे हैं, लेने को तैयार हो कि नहीं हो, और वो नियम पढ़ता है उस समय पूरे। उन नियमों में आता है पूरा कि मैं अब इस स्त्री के अलावा अन्य किसी स्त्री में राग भाव नहीं करूंगा, मैं समझ राग का त्याग कर, सब आता है उसके अंदर। और यहाँ तक कि वो चेतावनी भी देता रहता है कि भैया अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, मतलब क्या है आगे बिगड़ने वाला, मतलब वो हमसे अच्छे से ठोक पीट के पूरी बात पूछता है क्या। और हमको ये बताता है कि देखो तुम ये इस नियम के अंदर बंध रहे हो, तुम्हें नियम में बंधना स्वीकार हो तो तुम स्वीकार करो। लेकिन लोगों को तो लगता है कि नहीं ये कोई नियम, का है नियम, कौन से नियम लिए थे हमने, कब लिए थे पंडित? अच्छा उस समय, हाँ उस समय कुछ बोल रहे थे पंडित, बाकी सब तो हमारे दोस्तों ने हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ बोल तो रहे थे। और जबकि उस समय पूजा कराई जाती, भगवान की पूजा होती है, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में वो नियम दिलवाए जाते हैं। तो तुमने सबकी साक्षी में, भगवान की साक्षी में पूजन करके पंडित को बुला के और ये सब करके लिए, और तुम उसको ही नहीं पाल रहे हो। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये क्या जरूरत है बताओ? ये जो इतनी बड़ी बड़ी हमारी टीवियों की साइज बढ़ रही है, हैं, ये इस बात का सूचक है कि हमें अपने स्व स्त्री में और स्व पुरुष में संतोष नहीं है। अपनी यदि मैरिज एनिवर्सरी और अपने को दूसरे की पिक्चर देखने जाना पड़े, क्यों अपनी पिक्चर कम है क्यों? ये क्या है? मैंने तुम्हें अपनी स्त्री में राग नहीं और दूसरी स्त्री में राग? सबसे पहले ये त्याग होता है, पर स्त्री सेवन त्याग होता है पहले, और उसके बाद स्व स्त्री सेवन का त्याग होता है। और पर स्त्री सेवन त्याग नहीं हुआ तो स्व स्त्री सेवन के त्याग की बात ही बेकार है। और मैं तो कहता हूँ कितनी, मतलब ये इस कदर की गिरावट हुई है कि अपन बोल नहीं सकते किसी को कुछ। क्या उसको देख देख के कर करके, अरे हमारे पहनावे में, हमारे रहन सहन में, हमारे बर्ताव में, हमारे जीवन में कितना कुछ आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है। और इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है, कठिन है ये क्यों? कोई कठिन नहीं है ये। और दूसरी बात, उसके अंदर तो सारे सप्त व्यसन की प्रवृत्ति है, जो जो नृत्य गाने, वेश्या सेवन, मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, क्या चीज नहीं दिख रही है उसके अंदर,
बताओ ऐसी कौन सी बीमारी है जो तुम उससे नहीं ला सकते हो घर में, ऐसा कौन सा व्यसन है जो उसमें ना दिखाया जाता हो क्या? इसलिए यदि बीमारी से बचना है तो सबसे पहले तुम इस बीमारी से बचो। मैं तो कहता हूँ ये जो आप सम्मान करते हो ना, उसका सम्मान करना सबसे पहले जो जिंदगी भर टीवी का त्याग कर दे। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। अब अपन केवल बोलने को तो मैं पढ़ दूंगा सूत्र जी, सुन लो तुम भी, स्त्री राग कथा श्रवण का मनोराग खत्म, न तुम्हारे समझ में आए न मेरे समझ में आए। लेकिन यदि सचमुच उसको समझ के करना है तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो उसमें राग उत्पन्न करे ऐसी कथा के सुनने का त्याग होना आवश्यक है। ये व्यवहार ब्रह्मचर्य की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यही नहीं होगा तो निश्चय ब्रह्मचर्य क्या रहेगा? क्या? तो इसलिए ये सबसे पहले इसका त्याग होता है। स्त्री देखो गांधी जी के तीन बंदर कहे कहें तो ऐसे अपने भी तीन बंदर कौन कौन से? गांधी जी के बंदर क्या बताओ, गांधी जी के तीन बंदर क्या बेटा? अरे बुरा ना से देखो सुनो बुरा मत बोलो, ऐसे ही अपने भी तीन है। छेड़ाला कारण उसमें से एक बताया, उसको दूर कर लेना ये। राग द्वेष कर तार कथा कब भून सुनी जे, दौड़ लगा लो। राग द्वेष कर तार कथा कब हून देखी जे, और राग द्वेष कर तार कथा कब हून बोली जे। जो राग द्वेष उत्पन्न करने वाली कथा हो जिससे अपने कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो, न मोक्ष मार्ग की सिद्धि, अपना समय व्यस्त होता हो, न हम लौकिक में कोई तरक्की करें उससे, न कोई परलोक में तरक्की करें, क्या हमारा बुद्धि खराब करे, हमारा दिमाग खराब करे, उससे लौकिक में भी हमारा क्या तरक्की हो रही है? क्या जो हमारा लौकिक जीवन भी बिगाड़े, 3 घंटे अपन ने किसी में दिए, मिला क्या उससे अपने को? कुछ समय बिगाड़ा मनुष्य भाव का, क्या मिला उससे? अरे इससे तुम अपने जीवन में कुछ प्रोग्रेस करते, कम से कम लौकिक पारलौकिक कुछ तरक्की होती तुम्हारी, एक समय का उपयोग घड़ी घड़ी का उपयोग ढंग से किया होता तो ये जीवन सार्थक होता। तुम इस जीवन की कीमत समझो कहाँ जा रहा है, क्या मिलेगा उससे? क्या उन्होंने तो अपनी बीमारी तुमको दी है, लेकिन तुम तो सोचो इस बीमारी को ग्रहण करने के पहले वाको तो पैसे मिले, क्यों सास बहू को तो लड़ने के पैसे मिल रहे, वही हमफट में लड़ रही है और उनकी बीमारी अपने सिर में रह रही, कल क्या होएगा? इनके तुम्हारी सोच लो, तुम्हारे कम है क्या? क्या अपने घर की तकलीफें कम है जो अपन टीवी वालों की तकलीफें और दिमाग में लेके चले? बताओ अपने खूब समस्या है, अपन उनसे ही निजात पालें। तो इसलिए सबसे पहली चीज कही कि ये स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा सुनने का त्याग। कौन से इंद्रिय विषय से उनका त्याग हुआ? ये कर्ण इंद्रिय का। उसके बाद तन मनोरंग निरीक्षण, उनके मनोरंगों के निरीक्षण का माने देखने का त्याग। ये कौन सी इंद्रिय हुई? चक्षु इंद्रिय। तो इसमें भी टीवी आई कि नहीं आई? फिर पूर्व रतानुस्मरण, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण। क्या उनका स्मरण करने से क्या मतलब है, सिद्धि क्या है? मैंने बात कही थी ना, ये पूर्व के जो अपने फोटोग्राफ्स है, क्या लोगों ने अपने फोटोग्राफ डालते हैं कभी कभी, यहाँ पता ही नहीं चलता ये कौन है। क्यों? क्योंकि भैया जी के सब चले गए, दांत चले गए, बाल चले गए, आंखें कमजोर हो गई, मोटा चश्मा लग गया, तो इनने शादी कौन सा, इन्होंने कौन सा फोटो डाल रखा है जो इनकी शादी का था? अभी भी इनको शादी का फोटो ही वो वाला याद आता, वो वाला डालते हैं ये अपना। क्या है? मैंने कहा जो है तुम्हारा दिखाओ ना, जो है सो उसमें क्या है, देह का फोटो है, कम से कम लोग पहचान पाए, पहचान ही नहीं पाए। क्या हम तो एक जने से मिलने गए, वापस आ गए, हम थे ही नहीं वो, और क्या नहीं थे उनको फोटो व्हाट्सएप किया था, दोबारा ये फोटो और ये फोटो मिली नहीं रहे कहीं से कहीं तक। इस फोटो में बाल काले हैं और तुम्हारे सफेद है? बोले साहब वो फोटो तो बाल काले वाले ही दिया जाता है। मैंने कहा जो है सो है, ये देह के अंदर तो ऐसी दशा है, इसमें अपने को पहले के भोग स्मरण कर करके क्या मिलेगा? जब अपनी शक्ति खत्म हो गई है भोगने की, तो पूर्व के भोग भोगने, पूर्व के भोग याद करने से क्या मिलने वाला बताओ है?
जब दांत नहीं है तो ये चीज बार बार याद करके कि हमारे भी पहले दांत थे और हम भी सुपारी चबाते थे, तो चबाते थे ना, कौन मना कर रहा है? अब तो नहीं है ना, तो अब उस बात को भूल जाओ। और तुम्हें अतीन्द्रिय रसपान करने के लिए कह रहे हैं और तुम इंद्रिय विषय को याद कर रहे हो। इसलिए पूर्व रतानुस्मरण माने पूर्व के भोगों का स्मरण न हो, और वशिष्ठ रस गरिष्ठ रसों का रसना इंद्रिय को प्रिय लगने वाले भोजन का त्याग हो। क्यों? क्योंकि वो अपने को और बाकी इंद्रिय विषयों की लालसा को बढ़ाता है। और स्व शरीर संस्कार त्यागा, अपने शरीर के संस्कार का त्याग करे। क्यों? क्योंकि अपने शरीर के संस्कार के से मतलब राग बढ़ता है ना, अपने शरीर में भी राग उत्पन्न होता है और अन्य में भी राग होगा तो अपन उसको दिखाने के लिए अपने शरीर का संस्कार करेंगे। क्यों? शरीर का संस्कार की क्या जरूरत है? और यहाँ तक कि शास्त्रों में तो इतना आता है, सुदर्शन सेठ वगैरह की अपन कहानी पढ़ते हैं, कि वो स्त्रियां संस्कार करती थी, लेकिन वो कब करती थी? अपने पति के लिए घर में। और घर में तो कोई संस्कार करती ही, घर में तो लोगों को मिलती है काम वाली, कपड़े वाली, क्या बर्तन वाली, वो बिल्कुल पत्नी ऐसी दिखती बिल्कुल कि जैसे बाई वाली हो, ये कपड़े वाली बाई वाली होती कि नहीं, जैसे बर्तन वाली पूरी बिल्कुल क्या है। और बाहर तो वो ऐसा होता है बिल्कुल, मैंने कहा ये साड़ी तो बाजार वालों के लिए खरीदी गई, क्या घर वाले के लिए क्या है? घर वाले के लिए तो टूटी फूटी 200 रुपए की, और बाहर वाले के लिए 2000 की। श्रृंगार किसके लिए करना है तुमको, किसको दिखाना है? और यदि है तो अभी वो जो इस ब्रह्मचर्य की यहां बात कर रहे हैं वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें स्व शरीर संस्कार त्याग नाम की भी एक भावना है, और उसमें दोनों इंद्रियों के विषय सेवन की बात है, स्पर्शन की भी और घ्राण इंद्रिय की भी। तो पांचों इंद्रियों के विषय आ गए ना, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, और यहां तक कि मन का भी विषय, पांचों इंद्रियों के विषय आ गए। कई लोग कहते हैं साहब जहां भी शास्त्रों में ब्रह्मचर्य की चर्चा है वहां काम भोग के त्याग की बात है, तो काम भोग के त्याग की बात में तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय की त्याग की बात आएगी। उनका ऐसा नहीं है, शास्त्रों में काम भोग का स्वरूप भी स्पष्ट किया है, काम माने स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय, और भोग माने घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्रिय के विषय। तो इसलिए वो पांचों इंद्रियों के विषय सेवन के त्याग का नाम ही ब्रह्मचर्य है। और ये हम देखते भी हैं क्या कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, यदि कोई कहता है कि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी पांच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति नहीं होगी, उसका खान पीन रस नीरस जैसा होगा वैसा होगा, है ना, टीवी आदि उसका श्रृंगार आदि नहीं होगा। अपन ही मानते ही ना, अपन ही अपने मन में एक धारणा लेके ही चलते हैं कि जिसने ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया है उसका रहना सहना खाना पीना सब कैसा होगा? सादा होगा। लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है कि ब्रह्मचर्य माने स्पर्शन इंद्रिय विषय सेवन का त्याग। और कहीं कहीं जब अपन शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें भी ब्रह्मचर्य के प्रकरण में स्पर्शन इंद्रिय विषय सेवन के त्याग पे बहुत जोर दिया है। तो वो जोर देने का भी कारण है, क्यों? कारण क्या है? तो उन्होंने तो इसलिए उस पर इतना जोर दिया है कि भाई स्पर्शन इंद्रिय जो है वो पूरा शरीर है, और यदि आपने इस पूरे शरीर को जीत लिया माने इस स्पर्शन इंद्रिय को जीत लिया तो उसके जो पांचों अंग है रसना घ्राण चक्षु कर्ण वो भी जीत ली मानी जाएगी। हम ये कहेंगे हमने भारत जीत लिया तो ये अलग से कहने की जरूरत तो ही नहीं कि मैंने राजस्थान जीता, मैंने मध्य प्रदेश जीता, मैंने कर्नाटक जीता, मैंने गुजरात जीता, वो तो आई गया ना। ऐसे ही हमने स्पर्शन इंद्रिय क्या पूरे शरीर में व्याप्त है, रसना यहाँ ही है, घ्राण यही है, चक्षु यहाँ है और कर्ण इंद्रिय यहाँ है, इन ये छोटे छोटे से हिस्से में, और स्पर्शन इंद्रिय कहाँ है? पूरे शरीर में, अखंड है, पूरे शरीर में व्याप्त है। माने इसको जीतने का मतलब है कि पूरे शरीर को हमने जीता है, माने पांचों इंद्रियों को जीता है। दूसरी बात यह है कि काल की अपेक्षा से भी विचार करो तो इसका विषय अखंड है। अखंड माने स्पर्शन इंद्रिय का विषय 24 घंटे चलता है और रसना इंद्रिय का विषय कभी कभी चलता है, खा लिया बोल लिया खत्म, घ्राण इंद्रिय का कभी कभी, चक्षु इंद्रिय का कभी, कर्ण इंद्रिय का ही कभी कभी, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का 24 घंटे। जरा गर्मी आई ठंड लेना चाहिए, ठंडी लग रही है उसी समय गर्मी चाहिए,
माने किसी भी समय एक समय भी हम उसके विषय से निवृत्त नहीं हो पाते हैं। 24 घंटे उसका विषय अखंड है। और दूसरी बात यह कि जितनी गुलामी हमारी स्पर्शन इंद्रिय की है उतनी अन्य इंद्रियों की नहीं है। उसका कारण भी है, उसका कारण यह है कि अनादि काल से एक समय के लिए भी हमारे साथ में स्पर्शन इंद्रिय का साथ नहीं छूटा। बाकी इंद्रियों का साथ तो छूटता रहा, जब हम एक इंद्रिय थे तो बाकी इंद्रिया नहीं थी, हमको अकेली एक ही थी स्पर्शन, रसना ग्रहण चक्षु कर्ण नहीं थी क्या? माने जब हम 4 इंद्रिय थे तो 5वीं नहीं थी, 3 इंद्रिय थे तो 2 नहीं थी, 2 इंद्रिय थे तो 3 नहीं थी, और 1 इंद्रिय थे तो 4 नहीं थी। तो बोले एक इंद्रिय भी नहीं थे, तो एक इंद्रिय नहीं थे ऐसा एक भी दिन नहीं आया जिस दिन तुमको इंद्रिय नहीं थे, क्योंकि यदि इंद्रिय रहित हो जाते तो सिद्ध हो जाते, इंद्रिय रहित सिद्ध होता है। दूसरा यह है कि इन 4 इंद्रियों का मिलना तो फिर भी लाभदायक है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का मिलना लाभदायक नहीं है। कैसे? क्योंकि जैसे यदि कर्ण चली गई, माने 4 इंद्रिय बन गए, चक्षु चली गई, 3 इंद्रिय बन गए, घ्राण चली गई, 2 इंद्रिय बन गए, रसना चली गई, 1 इंद्रिय बन गए, तो एक इंद्रिय तो ये जो जो इन इंद्रियों का जाना वो हमारे लिए लाभदायक तो ही नहीं, ऊपर उल्टा घाटे का सौदा है। लेकिन यदि स्पर्शन इंद्रिय चली जाए तो बहुत बड़े लाभ का सौदा है। क्यों? क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय जाने पर जीव क्या बनता है? सिद्ध बनता है। और यही कारण है कि स्पर्शन इंद्रिय विषय सेवन के त्याग को ब्रह्मचर्य कहा, अन्य इंद्रिय के विषय सेवन के त्याग को नहीं कहा। अन्य इंद्रिय विषय सेवन के त्याग को कहते तो जिनके वो इंद्रिय नहीं है वो ब्रह्मचारी सिद्ध हो जाते, क्योंकि उनके उस इंद्रिय विषय सेवन का प्रसंग ही नहीं। यदि रसना इंद्रिय के सेवन के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य कहेंगे तो एक इंद्रिय सब ब्रह्मचारी हो जाए, क्योंकि उनके रसना इंद्रिय ही नहीं। और यदि हम स्पर्शन इंद्रिय का कहते हैं तो स्पर्शन तो सब संसारिक हैं, जिनके नहीं है वे मात्र सिद्ध है, और वो तो वास्तव में ब्रह्मचारी है ही। समझ में आया ना? तो इसलिए जिसकी अब जिसका साथ हमारे साथ में अनादिकाल से नहीं छूटा है, स्वाभाविक रूप से उसकी गुलामी तो रहेगी, और इसलिए आचार्यों ने भी उसके त्याग पे इतना बल दिया है। और एक चीज और है कि ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां जो है ये पर पदार्थों को जानती है, क्या ये अंदर नहीं झांकती? इसलिए पूजन में लिखा ब्रह्म भाव अंतर लखो, माने ब्रह्म माने चैतन्य, और चैतन्य भाव को अंतर में देखो, माने यदि अपने आत्मस्वरूप को देखना है तो उसके लिए ये आंखें वाखे काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आंखें अपने आत्मस्वरूप को नहीं दिखाती, ये सब बाहर ही बाहर झांकती है। 5 इंद्रियों के दरवाजे बाहर खुले हुए हैं, क्या ये 5 इंद्रियां अपने आत्मस्वरूप को जानने में रंच मात्र भी सहायक नहीं है? देख लो आप, आंखें किसको जानती है? अपने अंदर की चीजों को जानती है। मेरे पेट में क्या ये आंखें नहीं देख सकती? ये नाक भी मेरे पेट के अंदर की चीज की गंध नहीं ले सकती, बाहर की चीज से गंध ले सकती है। क्या जीवान अंदर की चीज नहीं चख सकती? कोई बाहर की कोई चीज आती है उसको चखती है। ऐसे ही इस पर ये जो गर्मी ठंडी जो बाहर की है उसका ज्ञान होता है, अंदर की गर्मी ठंडी नहीं मालूम मेरे को क्या है। और शब्द भी जो बाहर से आ रहे हैं उनका ज्ञान हो रहा है। मानो 5 इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है वो बहिर्मुखी है, और वो कह रहे हैं ब्रह्म भाव अंतर लखो, तुम अंतर्मुखी प्रवृत्ति होगी तो ये ब्रह्म भाव तुम्हें दिखेगा, माने आत्मा दिखेगा। दूसरी बात यह कि आत्मा का उपयोग एक समय में एक ही जगह रहता है। यदि उसका उपयोग परद्रव्यों में लगा है तो वो अपने में नहीं लगता। क्षयोपशम ज्ञान की ऐसी कोई पराधीनता है कि वो जिस काल में एक में लगता है तो वो उसी काल में दूसरे में नहीं लग सकता। अब यदि इसका उपयोग परद्रव्यों में बटा रहेगा, लगा रहेगा, तो ये अपने आत्मस्वरूप को कब जान पाएगा? क्या इसलिए उन्होंने 5 इंद्रियों के विषय सेवन के त्याग की बात कही और स्पर्शन इंद्रिय के त्याग पे इतना बल भी दिया है। दूसरी बात यह कि इसके अलावा उन्होंने पूजन कार्य ने निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य की बात की।
देखो ब्रह्म भाव अंतर लको, ये तो हुआ अपना निश्चय ब्रह्मचर्य, अपने चैतन्य स्वरूप को देखना, आत्म स्वरूप को देखना, उसमें लीनता, ये असली ब्रह्मचर्य। और इसके लिए हमें बाहर में पंचेंद्रिय के विषय सेवन का त्यागी होना आवश्यक है ना, क्योंकि हमारी उसमें प्रवृत्ति होगी तो आत्मा में नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने बाहर में उसके लिए शील की भी उपदेश दिया, क्या व्यवहार ब्रह्मचर्य का भी उपदेश दिया, क्यों? क्योंकि उसके बिना आत्म स्वरूप में लीनता संभव नहीं है। तो उन्होंने इसलिए कहा शील बाढ़ नो राख, ये शील जो है ना, ये शील रत्न है और इस रत्न की तुम नो बाढ़ लगा के रक्षा करो। जैसे रत्न जो है चुराए पे ऐसे ही नहीं रखते अपन, कोई बहुत कीमती चीज होती है तो अपन उसको घर के अंदर, और अंदर भी ऐसे ही नहीं, घर के बिल्कुल जो सबसे बीचों बीच में जो कमरा होता है वहां, उसमें भी एक अलमारी, अलमारी में लॉकर, लॉकर में बड़ी डिब्बी, डिब्बा में छोटी डिब्बी, उसके अंदर ऐसे थोड़ी नहीं मिल जाता है गहना। कितनी बाड़े लगा के रखते हैं, तो कहते हैं बाड़ उसकी लगा रखी, तुमने बाड़ इसकी लगाओ, काय की शील की बाड़ लगाओ, क्यों? क्योंकि ये विषय चोर चारों ओर फिर रहे हैं इसको चुराने के लिए, तो नौ प्रकार से इसकी बाढ़ लगा के रखो। नौ बाढ़ क्या होती है बताओ, क्यों अखिलेश जी, नौ बाढ़ क्या है? शील बाढ़ नौ राख, नौ प्रकार की बाढ़े हैं। कौन सी बाढ़े हैं नौ? मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना, नौ कोटि से इसका पालन करो, मन से पालो और मन से स्वयं भी पालो, पलवाओ और पलते हुए की अनुमोदना करो, माने मन से भी अब्रह्म का सेवन मत करो, और मन से अब्रह्म का सेवन न स्वयं करो, न कराओ और न करते हुए की अनुमोदना करो, ऐसे ही वचन से भी मत करो, काया से ही मत करो। और इसलिए उसकी सब मतलब इस ब्रह्मचर्य के पालने के लिए, इसलिए उसके अतिचार के रूप में अन्य चीजों के त्याग की बात की है कि भाई मन वचन काया से स्वयं पालना है, पलवाना है और अनुमोदना करना है ना, तो तुम ये दूसरे के बाल बच्चों के शादी ब्याह मत कराओ, उससे कोई ब्रह्मचर्य नहीं पलवा रहे हो तुम उनसे, हैं? क्यों? पर विवाह करण ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत का अतिचार का है, तुम्हारे बाल बच्चों की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है, बाकी किसी की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं। कई होगा तो धंधा ही, अब उनका क्या होगा वो ही जाने। दूसरी बात, इसमें एकाध बार उलझ गई ना कभी ट्रेन, तो जिंदगी भर तुमको ही पकड़ेगा वो, क्या? इसलिए ये नौ कोटि है, ये नौ नौ कोटि माने तुम स्वयं पालो, पलवाओ और अनुमोदना करो, मन से वचन से काय से, नौ हो गई कि नहीं हो गई, आया समझ में? कैसे मन कृतकारित अनुमोदना, वचन कृतकारित अनुमोदना, काय कृतकारित। तो ये शील बाढ़ नो राग ब्रह्म भाव अंतर लोग करी दोनों अभिलाष, दोनों की अभिलाषा करो। दोनों कौन है? अरे अभी दोनों बताया ना मैंने, निश्चय और व्यवहार। करी दोनों अभिलाख, दोनों की अभिलाषा करो, कर हो सफल नरभव सदा, और दोनों की अभिलाषा करके दोनों को पाल के अपने नरभव को सफल करो। फिर उसके बाद में तो उन्होंने पूरा शरीर आदि का वर्णन किया, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो माता बहिन सुता पहचानो, कि भाई जो स्त्री है उसको माता बहिन और सुता के समान पहचानो, अपने समान है, अपने समान की, अपने समान उम्र वाली है तो वो अपनी बहन है, अपने से छोटी है अपनी पुत्री के समान, अपने से बड़ी है माता के समान। सहे बान बरसा बहु सूरे टिके नैन बान लकी कूड़े, सहे बान बरसा, उन्होंने उदाहरण दिया कि ये तुम इसकी पीड़ा कोई कम मत समझो, क्या? अरे बड़े बड़े योद्धा हार गए इससे, जिसने कहा ना, उन्होंने कहा कि जाको मतलब जिसकी इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने जिस पाप की चिंता करी और जिसका जिस विषय सेवन का भाव अपने अंदर नहीं आया उसकी इतनी परवाह करी, और वही पाप लोगों ने खिलौना समझ रखा है, क्या? बड़े बड़े महारथी जिससे हार गए और तुम उसको आराम से इतने हल्के में ले रहे, ये तो यहाँ नौ बाढ़ की बात कही है, और शास्त्रों में इसके और भी बहुत सारे कहे हैं, क्या? अनेक प्रकार से इसका पालन, उसके संसर्ग में रहने का त्याग, उसके उसके उपयोग किए हुए जो आसन है, सैया है, उसका त्याग, ये सब चीजों का त्याग कहा है शास्त्रों में।
क्यों? क्योंकि क्योंकि राग भाव की उत्पत्ति हो सकती है, यानी ये इसको सामान्य में समझो। अरे रावण जैसे बड़े बड़े महापुरुष क्या परिस्त्री सेवन के कारण मारे गए, उनके वंश समाप्त हो गए। तो इसलिए उन्होंने कहा साहेब बाणों की वर्षा सहन करना एक बार सरल है, टिके न नैन बाण लकी कूड़े, लेकिन स्त्रियों के नैनों के बाण सहन करना कठिन है। कूड़े तिया के अशुचितन में काम रोगी रति करे, स्त्रियों के शरीर में कौन रति करता है? वो कहते हैं काम रोगी, वो रोगी हो तो क्या मैंने, वो रोग है, पीड़ा है वो एक, और अशुचि शरीर कैसा है? अशुचि बहु मृतक सड़ ही मसान माही काग जो चोचे भरे, उपमा भी कैसी दी है देखो सही। जैसे कौआ शमशान के अंदर मृतक के अंदर सड़ रहा है जो मृतक, उसके अंदर चोच मार मार के उसका मांस चूतता है, ऐसे ही स्त्री के शरीर में आ सकता होता है। उन्होंने कहा उसकी अशुचिता का अपवित्रता का विचार तो करो, माने देह से अपवित्र और वस्तु दुनिया में कोई है ही, संसार में इससे अपवित्र कुछ नहीं है, और जिसमें तुम राग कर रहे हो जरा एक बार वस्तु स्वरूप से उसका विचार करो कि वो वस्तु उससे संसार में दुर्गंधित और घृणित वस्तु और कोई नहीं है, केवल मोह के उदय में तुम्हें वो घृणितता दिखाई नहीं देती क्या? काग जो चोचे भरे बहु मृतक सड़ई मसान माही, जैसे मृतक मसान में सड़ता है और कौआ उसमें चोचा मारता है, ऐसा संसार में विषबेल नारी तजी गए जोगीश्वर। ये विषबेल नारी है कि विषयाभिलाषा है? क्यों ये कई लोगों को आजकल इसमें आपत्ति होने लगी, विषबेल, हमको विष की बेल कह रहे हैं, खुद अमृत के बेल है ये, खुद नारी विष की बेल और पुरुष अमृत की बेल है, और इसलिए उन्होंने विष बेल की जगह कर दिया विषयाभिलाषा। पहली बात तो अपने को अधिकार क्या है किसी दूसरे की पूजा में करेक्शन करने की, खुद ना ही अपनी पूजा बनाओ ना, दूसरों की चेंज कैसे कर सकते हो? मूल पूजा में तो विष बेल नारी है, और विष बेल का मतलब क्या है देखो, नारी नारी को कोई विष बेल नहीं कह रहा, नारी के प्रति जो राग भाव है उसको विष बेल कहा जा रहा है, नारी तो हमारी माँ भी होती है, क्या उसको विष की बेल कह रहे? अपनी बच्ची को विष बेल कह रहे हैं, इसकी जगह नारी की जगह लिख दो संसार में विष बेल माता, और पत्नी संसार में विष बेल पुत्री, संसार में विष बेल बहना, क्या जिस दिन अपना वो हो ना उस दिन राखी वाला दिन, उस दिन लिखना संसार में विष बेल बहन क्या? तो अपन सब जानते हैं कि कोई उसका तात्पर्य क्या है, वो अर्थ लेना चाहिए उसमें, क्या वो पुरुष ने लिखी तो उसने स्त्री के प्रति जो राग भाव है उसको विष बेल के दिया, यदि किसी स्त्री ने लिखी होती तो वो पुरुष को विष बेल लिख देती क्या? ना तो कोई स्त्रियां विष की बेल है ना पुरुष विष के बेल है, ये केवल उनके प्रति जो राग भाव है उसको विष बेल कहा है, और हम उसको तो बदलते नहीं है, उस राग भाव को तो नष्ट करने का पुरुषार्थ नहीं करते, पूजा की पंक्ति है विषयाभिलाषा विषयाभिलाषा। और वो ब्रह्मचर्य की बात चल रही है तो यहाँ विषयाभिलाषा की क्या बात है? संसार में विष बेल नारी है जो बात है वो बात करो पूरी, उसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। संसार में विष बेल नारी तजी गए जोगीश्वरा, योगीश्वर त्याग कर गए उसका, क्या जान के? विष की बेल जान के। और एक ही नहीं, अरे स्त्रियों के तो जितने नाम है वो सभी यही है, नारी, नारी का क्या मतलब होता है? नहीं है जिसके समान कोई अरी, अरी माने शत्रु, जिसके समान कोई शत्रु नहीं है उसको नारी का, मैं नहीं कह रहा हूं तो शास्त्रों में मेरे को भी घर में रहना है क्या? तो अपन उसका अर्थ समझें कि भाई क्या है, सारे अर्थ आप निकालो ना तो सारे अर्थ निकलते हैं। पत्नी, पत्नी माने जिसके संसर्ग से हमारा पतन हो वो पत्नी, अबला जिसके संसर्ग से हमारा बल नष्ट हो जाए वो अबला, वाम लोचना, क्या वाम माने तिरछी, तो जिसके अंतरंग में मायाचार भरा उसको वाम लोचना,
कैसे नाम है इनके, मैं तो आपको दो चार ही दिए अभी। तो इनके आप वहां पे भी बदलो ना तुम जाके कि ये सब स्त्रियों को ऐसा लिख रहे तो यहाँ भी बदल देंगे हम। अरे कहाँ कहाँ बदलोगे तुम, तुम उसका स्वरूप समझो, उस पर्याय की भी निंदा की है और उसके प्रति जो राग भाव है उसकी निंदा की है। और दूसरी बात ये कि तुम अपने को स्त्री और पुरुष मान रहे हो भूल में, तो अज्ञान ये है क्या, ये देह में जो एकत्र बुद्धि पड़ी हुई है और मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं, ये मूल में तो अज्ञान ही है। अपन ये बार बार पढ़ा रहे हैं कि अरे अपने को देह मानना छोड़ो, अपने को पुरुष मानना छोड़ देगा तो स्त्री के प्रति राग मिट जाएगा, ऐसे अपने को स्त्री मानना छोड़ेगा तो पुरुष के प्रति राग मिट जाएगा क्या। अपने को चैतन्य रूप अनुभव कर, और इसके लिए तू जीवन में तेरे को जितना हो, देखो कोई भी चीज यदि हमें बहुत असंभव लगती है तो वो छोटे छोटे स्टेप हम अपने जीवन में उठाए। शास्त्रों में तो इतने एक से एक उदाहरण है कि पढ़ो तो अपने को उससे ऐसी प्रेरणा मिलती है, हैं? विजय सेठ विजया सेठानी की कहानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी कभी आपने, जिसने पढ़ी हो। सुदर्शन सेठ सीता, सीता ने कहा एक ही चीज क्या कि यदि हे अग्नि यदि मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को चाहो, स्वप्न में भी मन वचन काया से कृतकारी तनुमोदना से, तो तू मेरे को भस्म करने में एक समय भी मत लगाना। क्या ऐसे उत्कृष्ट चारित्र है सीता सती नीली सती अंजना सती, क्या अपने कौन है आदर्श क्या। हम अपने घरों के अंदर बच्चों को टीवी दिखाएंगे तो इनकी आदर्शा तो बनेगी सब, क्या क्या है जिनके नाम में लिए उन पर पाप पड़ेंगे। हमारे बच्चों के और लड़कियों के ये जितने खान हैं, खान कौन होते हैं मालूम है, जो सबसे मतलब जिन लोगों को अपन बिल्कुल निकृष्ट मानते थे, बच्चों के आदर्श वो बन रहे हैं। बोलो क्या स्थिति है, है हमारे पास में कमी है। अरे पुराण पुरुष पढ़ा उनको कभी प्रथमान योग के अंदर, क्या जीव थे वे क्या। और जैनी छोड़ो, आज पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व जिनके नाम लेने में अपने को पवित्र मानता है, तो इसलिए कम से कम उस वो पुरुषार्थ जगा क्या, जितना बने जैसा बने। देखो अपने को वास्तव में कम से कम इन 10 दिनों से अपने को व्यवहार ब्रह्मचर्य की प्रेरणा तो लेके जानी चाहिए। अपने जीवन में कोई चीज का ठिकाना नहीं है। आज जो कोई भी समझ ले किसी की बहुत अनुराग है परस्पर में, लेकिन किसी का भरोसा है, है? कौन कह सकता है कि मैं जिंदा रहूंगा या मेरी स्त्री पूरे समय जिंदा रहेगी। राग तो तुम घटा दो, जितने संयोग है संयोग का राग घटाने में आनंद है, और संयोग का राग नहीं गया और संयोग पहला चला गया तो उसके वियोग में भयंकर दुख होगा क्या। अनेक लोग होते हैं पिता कितनी उम्र के हो जाते हैं वो बड़ी बड़ी उम्र के, और वो अपने को शादियों के कार्ड देने आते हैं। अपन सोचते हैं कि इनके बच्चों के कार्ड देने आए होंगे, देखे तो वाको नाम नीचे गलती से आ गया, अपनी गलती से नहीं पंडित जी चली गई तो अपन ऐसा दूसरी कर लो है। मैंने कहा तुम किस कुल में आए, अरे अव्वल तो ये था कि तुम विवाह ही नहीं करते, अब किया तो अब कम से कम तुम्हारी जो उम्र है अब ये उम्र में भी नहीं पालोगे तो कब पालोगे। और इसका कारण ये होता है कि हम विवाह के समय से ही हम इस चीज पे ध्यान नहीं रखते। शास्त्रों में क्या लिखा है मालूम, कि जो है विवाह होने के बाद में सबसे पहले क्या होना चाहिए बताओ, लोग कहाँ जाते हैं हनीमून पे, शास्त्रों में नहीं लिखा हनीमून, सबसे पहले लिखा है कि अपनी स्त्री को वो किसी तीर्थ क्षेत्र पे ले जाए, और तीर्थ क्षेत्र पे ले जाके दोनों तीर्थ यात्रा करे और धर्म पूर्वक रहे पूरे 5 दिन तक, ब्रह्मचर्य से रहे और पत्नी को अपने धर्म में लगाए यदि वो धर्म पत्नी नहीं हो तब तक, तो क्योंकि उसका नाम धर्म पत्नी है भोग पत्नी नहीं है, तो पति की ये जिम्मेदारी है कि यदि पत्नी धर्म नहीं पालती है तो वो पत्नी को धर्म में लगाए, और यदि पति नहीं पालता हो तो पत्नी की जिम्मेदारी कि वो धर्म में लगा। और दूसरी बात कि वो कुछ नियम धारण करे, ये जो अपने पर्व के दिन होते हैं 3 अष्टांग का 3 10 लक्षण
महावीर जयंती, वीर निर्वाण उत्सव, इन दिनों में वो संयम से ब्रह्मचर्य से रहे। वो प्रत्येक महीने कुछ न कुछ नियम ले, थोड़ा थोड़ा नियम लेते लेते उसमें ऐसी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगी कि कदाचित किसी का वियोग भी हुआ तो उसको चित्त में रंच मात्र भी आकुलता नहीं होगी। महीने के 30 दिन है और अष्टमी चतुर्दशी ये 4 दिन, कम से कम इन दिनों में भी यदि कोई व्रत से न रहे और ब्रह्मचर्य से नहीं रहे तो वास्तव में उसका तो अपन पशु के समान है। और क्या पशुओं के भी नियम होते हैं मालूम, पशुओं के सारे नियम होते हैं। पशुओं के बच्चे जो है एक नियत काल में होते हैं। क्या गाय जन्म देगी तो एक ऋतु में ही जन्म देगी, छिपकली के बच्चे होंगे तो ऋतु में होंगे, बाज के, कुत्ते, सबके, एक आदमी का ही ठिकाना नहीं है बस। क्या तो इसलिए वो पशु से भी गया बीता हुआ ना उसकी स्थिति। तो इसलिए कम से कम अपन इन दिनों में अष्टमी चतुर्दशी का आजीवन पर्यंत और ये 4 दिन का तो अपना त्याग हुआ ना महीने में, और उसको बढ़ाते 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 और एक दिन हमें ये सामर्थ्य उत्पन्न होगी कि हम उसका आजीवन पर्यंत त्याग करने में समर्थ हो सकेंगे। ये व्यवहार की बात। और दूसरी बात कि अपना उपयोग उसके लिए कायम लगाए, ज्ञान भावना में, ध्यान में, ज्ञान ध्यान तप में अपना उपयोग लगाए। जिनवाणी मिली है ना अपने पास में, क्या पंचेंद्रियों के विषयों से निवृत्त होने के लिए आगम है। यदि हमने अपना उपयोग आगम में लगाया, जिनवाणी में, जिनेन्द्र भगवान की पूजा में, कोई भी धर्म ध्यान में, तो जिनवाणी तत्काल अपनी विषयों की इच्छा को निवृत्त कर देती, पीड़ा ही नहीं होती। अभी अपन यहाँ बैठे हैं आनंद में बैठे नहीं बैठे, कि विषय सेवन में सुखी है कि विषय के सेवन के बिना भी सुखी है, सहज सुखी है। तो इसलिए जिनवाणी कहती है कि वो उपाय करो, न रहेगा बास, न पीड़ा उत्पन्न होगी और न उसके प्रतिकार का अपने को उपाय करना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब अपना जीवन थोड़ा धर्म में लगाएंगे। क्या इन 10 दिनों में यदि वास्तव में अपन ने कुछ सीखा है तो अपन कम से कम इस चीज को कंटिन्यू करें। क्या ये भगवान जिनेंद्र के जो वचन है इनको समझने का उद्यम करे। जिसने एक बार जिनवाणी माँ में अपना उपयोग लगाना चालू किया, उसकी शरण ली, उसके सहज 5 पापों की प्रवृत्ति रुक जाएगी, कहना नहीं पड़ेगा। अभी आप यहाँ आए हो, कितने पाप कर रहे हो? क्यों कपिल जी, कितने पाप कर रहे हैं? बनिया कुछ नहीं कर रहे ना, हिंसा, झूठ, चोरी, अजय जी कर रहे हैं? कोई 5 पाप अपने अपने आप मिट गए, कोई कहने की जरूरत नहीं। 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति सहज मिट गई, यहाँ कोई इंद्रिय विषय का सेवन नहीं। कषायों की प्रवृत्ति ऑटोमेटिक चली गई, चंचल मन अपने आप एकाग्र हो गया। और जो जो ज्ञान बढ़ता है त्योत्यो अपना और आनंद बढ़ता है। ज्ञान आत्म सन्मुख होता है, लोकालोक का ज्ञान होता है, हे उपादेय की पहचान होती। तो इसलिए इससे बढ़ के कोई अमृत इस काल में अपने पास नहीं है। और यदि हमने इस अमृत का रसास्वादन किया तो हम में वो सामर्थ्य होगी जिनकी चर्चा हम शास्त्रों में करते हैं। वो शास्त्रों में कथित नायक, मतलब शास्त्रों में कथित जो महापुरुष है, उन महापुरुषों की सामर्थ्य अपने अंदर उत्पन्न है। और अपन अपने जो अपनी जो पीढ़ी है आगे की, इनको थोड़ा सा प्रथमानियोग पढ़ा है, इनको सतियों के चरित्र, महापुरुषों के चरित्र पढ़ा है, इनसे अवगत कराएं, क्या तो ये इनके आदर्श बनेंगे। समझ में आया ना? ये जो अपने चलते ना जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो इसके अंदर थोड़ा सा ये जो अपने पुराण पुरुष है, महापुरुष है, उनके चरित्र का थोड़ा वर्णन करे, ताकि हमारे नए बच्चे उसको देख के कुछ प्रेरणा लेवे कि देखो ये लोग महापुरुष थे जिन्होंने मृत्यु की कीमत पे अपने व्रतादिक को नहीं छोड़ा। सुदर्शन सेठ को ले लो, सीता को ले लो। तो इसलिए अपन आज के दिन, समय तो अपना पूरा हो गया है, अपन ब्रह्मचर्य धर्म के दिन ब्रह्मचर्य की प्रेरणा लें और साथ में हम इस ब्रह्मचर्य को परिपूर्ण रूप से पालने के लिए जिनवाणी के अभ्यास में जुटे, स्वाध्याय में जुटे, ज्ञान भावना में जुटे, क्या धर्म ध्यान में जुटे, तो ये हमारा व्रत का पालन निर्विघ्नता से होगा और हम सब एक दिन मोक्ष के अंदर प्रवेश करेंगे।